नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, नया साल आने वाला है, आप लोगों की नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं फायर सेफ्टी सिस्टम। तो फायर अलार्म पैनल जो होता है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, ये चीज़ हम दिखाएंगे आपको। कौन कौन से इक्विपमेंट लगे रहते हैं, कैसे कनेक्शन होते हैं, ये सारा कुछ दिखाएंगे। तो जैसे ये अपना जो है स्मोक डिटेक्टर है, ठीक है, इसमें हमने दो वायर की कनेक्शन करी है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले आपको बोर्ड पे बताएंगे, उसके बाद। तो ये स्मोक डिटेक्टर है, ठीक है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट है, MCP, ठीक है। तो मैनुअल कॉल पॉइंट, ये अपना हूटर है, और ये 4 जोन का पैनल है। यहाँ पे देखोगे तो आपको लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4। तो हम इसमें 4 जोन में कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं सीधा और आपको बोर्ड पे समझाते हैं इसका कनेक्शन। दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल में अभी मैंने इक्विपमेंट दिखाए थे कि फायर सेफ्टी जो फायर अलार्म सेफ्टी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने आपको दिखाया था एक फायर अलार्म पैनल। एक पैनल जो आपका एक जोन का हो सकता है, 2 जोन का हो सकता है, 3 जोन का हो सकता है, वो 10 जोन का भी ये आपका पैनल हो सकता है। सारे में कनेक्शन एक टाइप से होते हैं, इसलिए हम एक जोन पे अभी हम आपको दिखाएंगे। और पैनल में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये 4 जोन का पैनल है, तो उसका भी मैं कनेक्शन करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं स्मोक डिटेक्टर, ये 3 टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं। कहीं हो सकता है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक होता है स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर। एक होता है हीट डिटेक्टर, ठीक है। एक होगा आपका मल्टी डिटेक्टर। स्मोक को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। एक अपना जो हीट डिटेक्टर होते हैं वो अपने हीट को सेंस करते हैं, ये स्मोक को सेंस करेंगे, ये हीट को करेंगे। अब मल्टी डिटेक्टर जो होते हैं वो दोनों चीज़ों को करते हैं। जैसे स्मोक हो गया तो स्मोक को भी डिटेक्ट कर लेगा, और हीट हो गया तो भी वो डिटेक्ट करता है। तो ये वाला थोड़ा महंगा आता है, फिर भी ये सबसे बेस्ट होता है। तो हमारे पास में जो अभी है, मैंने जो आपको दिखाया था, वो स्मोक डिटेक्टर है, केवल स्मोक को डिटेक्ट करता है। तो इसमें जो होते हैं, देखो यहाँ पे हमने जो आपको दिया 4 पॉइंट इसमें होते हैं जो हम लोग को यूज़ करने रहते हैं, ठीक है। ये 6 वाला, ठीक है, ये जो हमने बनाया है ये अपना स्विच, ये कनेक्टर है, ठीक है। तो इसलिए इसको नंबरिंग पे 600 मत पढ़िएगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से हम पैनल से 1 जून की जो प्लस माइनस सप्लाई निकलती है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस वाली सप्लाई है, इसको हम सीधे कहाँ लेके चलेंगे, यहाँ से हमने उठाया और इसको सीधे लेकर के आएंगे 5 नंबर के सिंगल पॉइंट पे। माइनस वाली ये कहाँ से निकल रहा है, पैनल से, ठीक है। और सेम कनेक्शन से हम लेकर के फिर दोबारा एक चलेंगे, ये देखो हमने यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एक अपना MCP भी होता है जिसको बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट, वो जैसे फायर अलार्म सिस्टम को अपने चेक करने के लिए, तो हम उसको भी एक MCP बना लेते हैं, ये अपने लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। MCP मैनुअल कॉल पॉइंट, आपको इस सर्किट को चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें 2 तार निकले हुए रहेंगे आपके, दो का पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक है माइनस का और दूसरा है प्लस का, ये आपको देखने को मिलेगा। तो हमने अभी निगेटिव का, चलो हम इसमें भी एक कनेक्शन डाल ही देते हैं। जब यहाँ कर दिए तो हम इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं एक एक करके। तो हमारा निगेटिव सर्किट हमारा अब ये कंप्लीट हो गया। एक वायर को हमने यहाँ से उठाया, जस्ट 5, 5, 5, और यहाँ जाके MCP में जाके कनेक्ट कर दिया। अब इसके आगे हम चलेंगे अब पॉजिटिव का कनेक्शन करने। यही थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कभी, लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे दो का सप्लाई होता है ये प्लस, तो हम यहाँ से एक प्लस उठाते हैं और सीधा ले जाकर हमने दो नंबर में कनेक्ट कर देना है, दो नंबर के पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका ये वाले पॉइंट का भी यूज करते हैं, लेकिन हम चार वायर का कनेक्शन करते हैं तब करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टू वायर का कनेक्शन होता है। ठीक है, ये इसकी सर्किट कंप्लीट हो गई है, यहाँ हमने दे दिया। और यहाँ से फिर उसके बाद में हम दूसरे को पॉजिटिव देना है, तो यहाँ तीन नंबर से हम पॉजिटिव निकालेंगे। ठीक, तीन नंबर से पॉजिटिव लेके आए, कहाँ लेके जाएंगे, दो नंबर में। ठीक है, एक हमारा, अब इसके आगे चलेंगे, छः नंबर हम आपको लास्ट में बताएंगे कि लाइट कैसे जलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर तीन नंबर से एक पॉइंट लेंगे, इसको ले जा करके हमने दो नंबर में ज्वाइंट कर दिया। कितने हो गए, हमारे दो सर्किट कंप्लीट हो गए, दो डिटेक्टर, एक ये भी कनेक्ट हो गया, इससे निकाल करके तीन नंबर से इसको भी दे दिए, तो ये भी कनेक्ट हो गया। अब हमको चलना है MCP को, मैनुअल कॉल पॉइंट को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिर हम इस तीन नंबर पॉइंट से एक सप्लाई लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ला करके जोड़ दिए, जोड़ दिए, लेकिन अभी भी आपका जो सिस्टम है वो ओपन सर्किट दिखाएगा, ये प्रॉपर आपका वायरिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर भी वो क्या है, आपको जो है क्या दिखाएगा, ओपन सर्किट। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर लगाते हैं, एंड ऑफ लाइन रजिस्टर, जिसकी वैल्यू 4.7 किलो ओम्स है। ठीक है, तो ये हम लगाएं, अब हमारा सर्किट जो है ये कंप्लीट हो गया। यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊंगा, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं हम लाइट का, कि लाइट का क्यों ज़रूरी है। जैसे आपने चार जगहों पे एक कंट्रोल पैनल से आपने कनेक्शन दिया, जोन वन, यहाँ पे लिख देता हूँ जोन वन, मान लो रूम नंबर वन, रूम नंबर वन, जोन टू, रूम नंबर टू, जोन थ्री, रूम नंबर थ्री। आपके पास एक कंट्रोलर जो है वो फोर जोन का है। जैसे आपका इसमें कुछ मिसहैपनिंग होती है, मतलब कि आग लगती है, तो यहाँ से एक हूटर का पॉइंट होता है, तो डायरेक्ट हूटर का इसी कार्ड से, सेम कार्ड से आपको दो हूटर की लाइन निकलती है। ठीक है, एक प्लस का और एक निकलेगा माइनस का। ठीक है, ये हो गया ये प्लस और ये माइनस, ये दो हूटर के वायर निकल गए। तो यहाँ पे एक हूटर, यहाँ पे हम हूटर भी लगा देते हैं। ठीक है, ये हूटर हो गया, तो आपका हूटर यहाँ तक ये आवाज़ करेगा। ठीक है, अब ये हूटर आवाज़ किया कि इस वाले जोन में हमारा आग लग गया। तो लाइटिंग इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे हम जब लाइट लगाएंगे तो इस सभी से हम 6 से माइनस लेकर के इस वाले पॉइंट से हम माइनस वायर लेंगे। ठीक है, इससे हम एक LED लगा देते हैं। ठीक है, और ये वाले जो प्लस हैं इससे हम इसका कनेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक डायोड बना देंगे, और यहाँ पे हमने एक लाइट को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा LED लाइट हो गई। तो हमारा जब जोन वन में आग लगेगा, तो ये जोन, अब यहाँ पे हमने चार लाइटें लगा दिए एक जगह पे, जहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लिख दिए रूम वन, तो रूम वन की लाइट
आपकी बिलिंग करने लगेगी, आपका हूटर ऑन हो जाएगा, तो आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। सीधा कहाँ जाना है, रूम वन में, और उसको चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सिस्टम पूरा काम करता है। हमको लगता है कि बहुत इजी है, कोई भी फायर सेफ्टी में बड़ा इंजीनियरिंग नहीं है। इजी वे में देखो, मैंने कनेक्शन बताया, ये तो किसी को कुछ भी नहीं आता होगा, वो भी इसको जोड़ करके कर लेगा। तो हम अपने वीडियो में कुछ भी बताते हैं, आप लोगों को सरल तरीके से बताते हैं। तो चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या चीज़ें काम करती है। जैसा मैंने आपको बोर्ड पे बताया, आशा करते हैं कि आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए होंगे। आपको अब मेरे को प्रैक्टिकल दिखाना है। तो ये अपना पैनल है, इसमें सप्लाई है, अभी सारा कुछ ऑन है, कोई भी सिग्नल नहीं आ रही है। कुछ मैं करके दिखाता हूँ। तो ये अपना देखना, ये मैनुअल कॉल पॉइंट का मतलब होता है, यहाँ से आप प्रेस करोगे तो फायर का यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ से हम करेंगे तो देखो, प्रेस करेंगे तो फायर अलार्म हूटर अपना बजेगा, ठीक है, और यहाँ पे जोन वन में आ जाएगी। देखो ओके, तो यहाँ से हमने रीसेट कर दिया, इट मीन्स ये अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जोन वन की हमने दो सेंसर जोन वन में लगा रखी है, तो ये जो हमने अलार्म किया ये जोन वन की थी। यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए हमने जोन टू भी कर रखा है, और जोन टू के लास्ट में जो हमने आपको रजिस्टर दिखाया था, ठीक है, एंड ऑफ लाइन रजिस्टर, तो ये वाला एंड ऑफ लाइन रजिस्टर है, ठीक है। तो इन दोनों वायर में आपको कनेक्ट करना रहता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको ऑफ कर लेंगे, ठीक है, ये ऑफ हो गया। अब इसको हम ओपन कर लिए, बहुत बड़ा कनेक्शन में कुछ नहीं करने का ज़्यादा वो नहीं रहता। मैंने आपको बताया था कि दो हूटर की वायर आती हैं, तो ये जो है अपना देखो, ये आपको देखने के लिए मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। हूटर की वायर दिख गई, कॉमन हूटर एंड ग्राउंड। तो कॉमन हूटर प्लस होता है, यहाँ पे देखोगे अंदर में प्लस और माइनस का पचन भी, यहाँ पे अपने देखोगे यहाँ पे एक डायग्राम भी लगा हुआ है कि जैसे अपना ये पैनल बोर्ड से प्लस और माइनस निकला, वैसे अपने डिटेक्टर को गया। डिटेक्टर के आगे MCP है, मैनुअल कॉल पॉइंट, ठीक है, और ये देखो सेपरेट अपनी हूटर की कनेक्शन यहाँ से जा रही है, ये वाली, ठीक है। तो अब हमने जो आपको बताया था कि यहाँ से हमने देखो जोन वन का, ये देखो जोन वन है, ठीक है, ये दो वायर जो हैं ये वाले जोन वन के हैं, और ये हमने जोन टू का लगाया। अभी हमने दो फोर जोन का है, तो यहाँ पे हमने रजिस्टर लगा रखा है ताकि ये दोनों जोन को ये ओपन नहीं दिखाएगा, ये सर्किट कंप्लीट दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जोन वन का कनेक्शन पर। आशा करते हैं आप एक बार में ही समझ जाओगे। तो जोन वन से हमारा दो वायर निकला, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। तो हमने इस वाले वायर को ट्रेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। एक जो हमारी ये वाली प्लस की वायर आ रही है ये, ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि दो नंबर पे देना है। तो ये देखो यहाँ पॉइंट नंबर टू है, ठीक है, दो नंबर पे हमने ये प्लस वाली दे दी। अब माइनस हमने बताया था कि पाँच नंबर पे देने हैं, तो ये अपना जो है पाँच नंबर की वायर है, ठीक है, ये वाली पाँच नंबर की वायर है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि पाँच नंबर से साथ में पार्लर में लूप होंगे, तो ये एक और हमने यहाँ पे लगा दिया। एक तो हमारा पहले से आया हुआ है ये वाला, ठीक है, और ये जो कंट्रोल पैनल से आया, दूसरा हमने यहाँ पर लगा दिया। ये कहाँ जाएगा, इसके पाँच नंबर पर, ठीक है, इसके पाँच नंबर पे ये जाएगा, और दो नंबर हमारा इसका हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट हमने बताया कि तीन नंबर भी हम निकालते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगी तीन नंबर, ठीक है। तो यहाँ हमने तीन नंबर से सप्लाई निकाली, इसके दो नंबर पे हम देंगे, ये देखिए जो इसकी तीन नंबर की वायर है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक ही में दिखा रहा हूँ। चलो मैं निकाल रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक पाँच नंबर इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, इसके अंदर में दो वायर लगी,
ठीक है, एक अपना ये दो नंबर और ये आ गया पांच नंबर, दो वायर हमने लगा दिया। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि इसके आगे वाले को हमको जब इसका जो पांच नंबर होगा इससे हम एक वायर इसमें डालेंगे, तो हम पांच नंबर उठा लेते हैं, पांच नंबर की वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि तीन नंबर के से हम आउटपुट लेंगे, तो इसका जो दो नंबर का वायर है, ये दो नंबर का वायर, इसका ये वाला दो नंबर वायर हम उठा लेते हैं और इसको लाके हम तीन नंबर में कनेक्ट कर देते हैं। तीन नंबर, ये देखो तीन नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तीन नंबर है, तो इसी को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। वैसे ही सारे में आपको कनेक्शन करना रहता है, यही कनेक्शन अपना जोन टू में भी है। ठीक है, तो अब हम इसको लगा देते हैं, और इसी का जो तीन नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और जो ग्राउंड है, यही अपना सीधा जो कॉल पॉइंट दिखाया था आपको, इसमें देखो हमने रजिस्टर जो आपको दिखाया था बोर्ड में, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये प्लस का और ये माइनस का है। ठीक है, तो ये हो गया, तो हम इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब एक एक चीज़ आपको करके दिखाएंगे, अगर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर तो यहाँ पे कुछ भी अलार्म नहीं शो करेगा। अब आप देखो, ये अपना हमने पैनल को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखो सारा ऑन दिखा रहा है लेकिन एक भी नहीं दिखा रहा। मान लो सपोज दैट ये आपका डिटेक्टर जो है ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये स्मोक डिटेक्टर है, आपको मैंने बताया था मल्टी डिटेक्टर भी और हीट डिटेक्टर भी, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखो, जोन नंबर वन ओपन, ओके, तो ये जोन नंबर वन का ओपन, और ये अलार्म आपका इस मशीन से आता है कि आपका जो जोन नंबर वन है उसमें प्रॉब्लम है, एक सेंसर आपका फेल कर गया है, तो इसलिए अभी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें होते हैं, अब चलिए अभी ये स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा है कि नहीं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्मोक डिटेक्टर है, हम यहाँ पर अब आग लगा लेते हैं ताकि धुआँ आपको मिले और ये डिटेक्ट करें। ठीक है, अब इसको हम इसके नीचे रख देंगे। अब यहाँ से रिसेट भी करोगे तो ये रिसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में जो है अपना स्मोक भरा हुआ है, तो अभी इसको ऑफ नहीं कर सकते। तो अभी इसको साइलेंस कर लीजिए, साइलेंस हो गया, ये लाइट अपना फायर का जल रहा है। अब इसको हम फूंक लगा देंगे, अब उसके बाद रिसेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये चला गया। ठीक है, तो इस टाइप से जोन वन में इसको भी देख लो। अब हम इसका रजिस्टर खोल के दिखा देते हैं आपको। देखो, यहाँ पे देखो ओपन सर्किट दिखा रहा है किसका, जोन टू का, और फिर हम यहाँ पे जैसे इसको लसटाएंगे, देखो ये बंद हो गया, फिर हटाएंगे, फिर देखो अलार्म आ रहा है, फिर जैसे हम इसको, ये देखो कंप्लीट हो गया। तो ये रजिस्टर जो है मेन है, एंड ऑफ लाइन रजिस्टर, इसको आपको लगाना ही है, नहीं तो आपका ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। रजिस्टर हम फोर वायर में यूज़ नहीं करते हैं, तो ये जाके ऐसे ही अपना सारा सिस्टम काम करता है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार,
और जब मैं फायर लाइन की पूरी सेटिंग कराऊंगा, लाइन की, फायर होसेस की, और कैसे कहां पे कौन से होस का यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ मैं फायर का डिटेल आपको दूंगा, ठीक है। स्प्रिंकलर कैसे लगाते हैं फायर लाइन में, आपको जो है ना इजी वे में समझना होगा, तभी आप काम कर पाओगे। जो कि मैं बताता हूँ इजी वे में, आपको सारा जो प्रैक्टिकल होता है उसके साथ मैं बताता हूँ। हमारे साथ में आप जुड़ते हो हमारे चैनल में, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन रिलेटेड, जीडीजी रिलेटेड, बेवरेज रिलेटेड, सारे टाइप की जानकारी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, इतना तो बनता है। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर।